साल की बच्ची गुम हुई थी, क्या अपडेट है? ये प्रकरण थाना शुकवाबाद क्षेत्र का है, जिसमें 6 साल की बच्ची के गुम हो जाने की सूचना मिली थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर टीमें लगाई गई थी। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि उसकी सौतेली बहन पे शक की सुइयां घूमी थी, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ सबूत मिले थे। उसके बाद तमाम लोगों से पूछताछ हुई, सौतेली बहन से भी लगातार काफ़ी पूछताछ हुई। उसके बाद सौतेली बहन यानी सुनीता की निशानदेही पर उस 6 वर्ष की बच्ची की डेड बॉडी को उसके घर के पास के तालाब से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में सुनीता ने बताया कि उसका पवन तोमर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसी से शादी करना चाहती थी, परंतु पवन तोमर पहले से विवाहित था, उसकी 2 बच्चियां हैं, इसके कारण वह शादी से इनकार कर रहा था। तो उस पर दबाव बनाने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उसने अपनी ही सौतेली छोटी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी, और उसके बाद हत्या करने के बाद उसके शव को पास के तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद एक पर्चे पर लिख करके एक संदेश उसको अपने ही घर की दीवारों पर चस्पा कर दिया था, ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और किसी अन्य की तलाश करती रहे और उसका मकसद पूरा हो जाए। इसको पूरा करने के लिए इसने ये पूरा गेम प्लान रचा था, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। पुलिस की पूछताछ में और उसके खिलाफ जो सबूत थे उसमें वो टूट गई और उसने पूरी घटना का इकबाल कर लिया। उसके बाद उसी के निशानदेही पर 6 वर्ष की बच्ची की डेड बॉडी को तालाब से बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग आई है, यानी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। सारे ठोस सबूतों के साथ अभियुक्ता सुनीता को आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अच्छा काम करने वाली और सही खुलासा करने वाली, महज 24 घंटे में एकदम सही खुलासा करने वाली टीम को मेरे द्वारा 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया जा रहा है।